से लोग आए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे मौके पर जितने भी कांधे मिले कम ही होते हैं। बेचारा कल तक तो हंस खेल रहा था, अभी अभी जिंदगी जीने लगा था, भरी जवानी में बेचारा। बड़े अफसोस की बात है। चाचा कोई मर गया है क्या? नहीं, कल उसकी शादी है। शिट! अबे प्रेम, जल्दी आ जा यार, मेरे ना लगता है जहां बैठा हूं वहां से जिंदगी भर उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबे मेरे, कल तक तो हमारे पास हनीमून मनाने का लर्निंग लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन कल तेरी शादी होते ही तुझे जिंदगी भर का लाइसेंस मिल जाएगा, और वो भी पक्का। साला मैंने लाइसेंस के लिए क्या क्या नहीं किया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, पंडित को अपना हाथ दिखाया, और जब लड़की फाइनली हाथ लगती भी है वो हाथ भी लगाने नहीं देती। एक थी राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी, और एक मेरी है। लेकिन मीत ने आज जो बैचलर पार्टी रखी है वो जरूरी है क्या? देख, ये जो बैचलर पार्टी है ना, तेरे लिए कम और हम जैसे बैचलर्स के लिए ज्यादा है, समझा? लेकिन आज अगर हम पकड़े गए ना तो मैं जिंदगी भर बैचलर रह जाऊंगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा यशु। जस्ट इमेजिन, मड आइलैंड का बीच, बीच पर बंगला और बंगले में विमला और मंगला। लेकिन ये मीत है कहाँ? तू तो साले को जानता ही है, मिल गई होगी पूजा की कहीं ना कहीं सहेली। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? बाय बेबी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते लल्लू। हाय गाइस, व्हाट्स अप? ये जो गई वो कहीं? हाँ, मेरी बहन पूजा की सहेली। यार यार मीत, मैं आज तक समझा नहीं तेरा ये फॉर्मूला हमेशा चलता कैसे है। अबे बहुत सिंपल है यार, पूजा से ज्यादा आम नाम तुझे इस देश में मिलेगा नहीं। अगर तू रोड पे खड़े रह के पूजा चिल्लाएगा ना तो 10 आगे खड़ी हो जाएंगी।
हर लड़की के किसी न किसी दोस्त का नाम पूजा होता ही है, तो मैं बन जाता हूँ पूजा का भैया और फिर उसकी दोस्त का सैया। यार तेरे माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर तेरा नाम मीत रखा है। जिस लड़की को मीत करता है ना उसका मीत बन जाता है। तू तो मेरा फंडा जानता ही है यार। और दिन सुबह होते ही बदलने चाहिए। अब्बास खुद की लाल करना बंद कर यार। तुम दोनों अपनी छोड़ो यार, मैं सुबह से 10 बार दूल्हे का यूनिफॉर्म ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। अबे होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी के साथ ना सिर्फ एंगेजमेंट रिंग और वेडिंग रिंग आते हैं बल्कि एक और रिंग भी आता है। कौन सी? सफर रिंग। इसलिए मेरे दोस्त आज की रात दिल खोल कर जी ले, क्योंकि कल सुबह होते ही तू तो गया रे। पसंद करके सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके किस्मत अपनी बुलंद करके अखियों के पिंजरे में बंद करके ले गई चकुच को पसंद करके सोनी सोनी मीठी बातें चंद करके किस्मत अपनी बुलंद करके। सच क्या है जरा जान ले, उस चेहरे को पहचान ले, उनकी गलियन में नाचा। सब खोना पड़ेगा जब वो कहे कि उठ जाएगा तू, जब वो कहे कि तुझे सोना पड़ेगा। करनी होंगी गुलामियां, देनी होंगी सलामियां, आ लौट के बंधु आजा। पंडित जी आप कितने मंत्र पढ़ेंगे? 500 रुपए दिए थे ना आपको। ठीक है ले जी मंगलसूत्र पहनाओ। ले बेटा जल्दी पहना, जल्दी पहना जल्दी।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणो दत्त जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनु। चल जा मेरे शेर जंगल में मंगल करके आजा। यार इससे पहले मैंने कभी you know what I mean, अबे यार। तो क्या हुआ यार, इससे पहले उन्होंने साइकिल भी नहीं चलाई थी लेकिन सीख गया ना। देख साइकिल चलाने में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस एक बार साइकिल पर बैठ गया ना तो सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। हाँ लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रेक कब मारना है। उमर खैर मुबारक हो। नहीं, मैं तो सुहागरात मनाने आया था। ऐसी सुहागरात मनाएंगे कि जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। करते रहो और जोर से और दम लगा। अरे मैं थक गया हूँ, इंसान हूँ मशीन नहीं, एक घंटे से कर रहा हूँ। मैंने कहा ना रुको मत, तुम्हें कम से कम 3 बार और करना है। कल भी तुम जल्दी थक गए थे, कम ऑन दम लगाओ। ओ माय गॉड, चलो उठो, इसके बाद दंड भी मारने हैं। पिछले 3 सालों से दंडी तो भर रहा हूँ। कर रहा हूँ दंडी तो कर रहा हूँ। अरे बिंदिया, तूने मेरा चश्मा देखा कहीं? यही कहीं होगा माँ। पता नहीं मेरी नजर को किस कमीने की नजर लग गई है, बिना चश्मे की नजर ही नहीं आता मुझे। अरे जल्दी कर बिंदिया, आज WWF में ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल की टांगे तोड़ने वाला है। सोफे की टांगे टूट गई। टांगे सोफे की नहीं, मेरी कमर टूट गई। अमर तू? हाँ, आप मुझे सोफा समझकर मुझ पर बैठ गई। थैंक गॉड तू था, सोफा नहीं। आजकल सोफे कितने महंगे हो गए। क्या आपको सोफे की पड़ी है, मेरी नहीं टूटी है। अरे थैंक यू बेटा। छी, कान खोलकर सुन ले, कुछ ही हफ्तों में मेरा भांजा दिल्ली से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा है। उसने अगर देख लिया कि मेरा जमाई ऐसा डेर पसली का है तो मेरी तो नाक कट जाएगी बिरादरी में। आप चिंता मत कीजिए माँ, पुदीना और करेले का जूस पिला पिला कर मैंने डेर पसली से ताजन बना दूंगी। ताजन नहीं बेटा, अंडरटेकर। और बेटा सुन, तूने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए ना मक्खन के साथ। हाँ, और गाजर का हलवा भी मम्मी। यम्मी। मम्मी मम्मी, मुझे पराठे मिलेंगे? पराठे मांगे तो चाटे मिलेंगे। अब जल्दी जाकर तैयार हो जाइए, क्लिनिक जाने का टाइम हो गया है। ये लीजिए आज की जेब खर्ची, 20 रुपये ऑटो से क्लिनिक जाने के लिए और वापस आने के लिए। हाँ और कॉफी। शट अप। लोगों के दांतों की कैविटी भर भर के पैसे मैं कमाता हूँ और मुझे तुमसे पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है। हाँ, ताकि तुम बाहर का खाना ना खा सको, दूसरे मर्दों की तरह सिगरेट और शराब ना पी सको। अब जाओ और नहलो। जाओ और नहलो। कमीनो, हंस रहे हो मुझ पर? इन 3 सालों में ये नहीं सोचा कि इस दोस्त की क्या हालत हो रही है। लोगों को दहेज में मोटर मिलती है, स्कूटर मिलती है, कंप्यूटर मिलता है, लेकिन मेरी हालत देखो, मुझे तो ये सांस मिली है। कंबख्त जो कभी बहुत थी ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जहां कहीं भी होंगे ना, गारंटी आज भी मजे से हनीमून मना रहे होंगे। अरे चाहे आसमान में मून हो या ना हो, लेकिन हर रोज हनी के साथ हनीमून तो होता ही है। क्या बात करते हैं यार। हाँ, अरे इसलिए तो काम पे देरी से आता हूँ रोज। अब रात भर लेट कर मेहनत करने वाला सुबह लेट ही उठेगा ना। लेकिन हम तो सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं यार। यानी कि तू उठता भी जल्दी है और सो भी जल्दी जाता है। ए सुरन, पता है आज रात गीता और मैंने तुम साथ में देखने का प्लान बनाया है। हर नाइट सालूटे राव कर। हाँ, अरे मेरी बीवी कभी कोई नई चीज़ ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। नई नई चीज़ों की गोज एक्सपेरिमेंट से ही तो होती है। अब न्यूटन को देख लो, चुपचाप पेड़ के नीचे सोया था कि उसके सर पर एप्पल आ गिरा और उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। हम भी लेटे लेटे एक रात खोज तो आज रात कर ही लेंगे। घर पहुंचते ही मेरी बीवी मुझ पर टूट पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपने पति के चरण छू रही हूँ। अरे यार मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बार बार मेरे चरण मत छुआ करो। क्यों नहीं, पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है।
स्वर्ग चरणों में नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैंने जो कहा वो तुम समझ गई? हाँ, आप अपने दिल की बात कर रहे थे ना। रहने भी दो, अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप कहे तो दबा दो। क्या मेरा गला? अरे मैं आपका गला क्यों दबाऊंगी जी? अगर मेरा ऐसा इरादा होता तो आपकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत क्यों रखती? अरे इतने व्रत रख रख कर तुम मेरी उम्र तो बढ़ा रही हो, लेकिन मेरी जवानी मुझसे छीन रही हो। कभी संतोषी माँ का व्रत तो कभी अम्बे माँ का, कभी दुर्गा माँ का तो कभी पड़ोसी की माँ का, कभी 16 सोमवार तो कभी गणेश का मंगलवार। पिछले एक महीने से तुम मेरे मंगल पर कोई ना कोई वार करती आई हो। कल से श्रावण महीना भी शुरू हो रहा है जी। श्रावण? यानी कि एक महीने तक श्रावण मेरी जिंदगी में रावण मरकर नाचेगा? अच्छा बताओ, आज तो कोई व्रत नहीं रखा है ना? कम से कम आज के दिन तो प्यार के आंगन में गुलाब खिलाई देते। नहीं जी, आज मुझे जगराता पर जाना है। जगराता? हाँ, आपके आने का ही इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। रामू, बाहर कोई पेशेंट रुका है? रुका नहीं सर, रुकी है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंतजार आज का नहीं जन्मों का है। क्या, कौन है बाहर? मिस सक्सेना। सक्सेना? डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कैसे धक धक कर रही है, देखो ना। रामू तू कुछ भी कर, उस सक्सेना को भगा यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ऐसी एवर रेडी बैटरी है जो मुझे चार्ज करने के लिए एवर रेडी रहती है, और मुझे रेडी रहना है। अरे सर, दुनिया कहती है गिव मी रेड और आप रहना चाहते डेड। तू मेरे साथ बहस मत कर, तू जो मैंने कहा वो कर। उस सक्सेना को बता के मैं बीमार पड़ गया और मैं यहाँ से चला गया। लेकिन सर आप बाहर जाएंगे कैसे? Excuse me, folks. Come on, girl, fast. Excuse me for the delay. और अमर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे भाई, जब तक कुछ किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हम जैसे सेक्सोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस तो जोर शोर से चलती रहेगी। इसलिए बेबी, एक्सक्यूज मी। हेलो, यस डार्लिंग, बोलो। नहीं नहीं, आज मैं ज़रा देर से आऊँगा। क्यों? अरे ओवर टाइम जो कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास। कभी कभी तो दो दो पेशेंट से निपटना पड़ता है मुझे, तुम जानती हो ना। हाँ, तुम खाना खा लेना। नहीं नहीं, मैं खाना खा के आऊँगा, नहीं कुछ नहीं। ओके, बाय डार्लिंग, लव यू वाइफ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, आप पुराना मारे तो आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो, क्या बात है? आपने कहा कि आप घर देर से आएंगे। हाँ? और वो बिना कुछ कहे मान गई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सुनो, बीवियों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो सर का दर्द बन जाती है। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि घर में पतलून वो नहीं, हम पहनते, समझे? गुड मॉर्निंग बिंदिया जी। ठीक है, चाय रखो और कपड़े धोने जाओ। जो हुकुम बिंदिया जी। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनको हमेशा बताते रहना चाहिए कि घर में पतलून हम ही पहनते हैं। ओके गर्ल्स, आप लोग गाड़ी में लिए वेट करो, मैं भी आया। एंड डोंट मी नॉटी नॉटी विदाउट मी। ओके ओके, यू नो अमर, जब से ये दो लड़कियों को मैंने नर्स की नौकरी दी है, मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, एक बेचारा मरीज थके सिपाही की तरह अटेंशन चिल्लाने पर भी विश्राम में ही रहता था, लेकिन इन दोनों को देख के विश्राम से सावधान और सावधान से सैल्यूट, समझे? अमर, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी डिस्पेंसरी के लिए एक नर्स रख लो। वो क्या है ना कि लड़कियों के साथ मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ। लड़कों के साथ मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातों में तो बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। ओह भाई, एक मिनट के लिए मैं समझा कि तुम प्रेम पुजारी नहीं, किसी प्रेम के पुजारी, यू नो। सी यू बाय। प्रेम बाबू, क्या है? तुमने बताया ना कल रात कैसी रही? बताने के लिए अल्फाज नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? क्या है? फिल्म। कल रात को तुम्हारी बातों से इंस्पायर होकर हमने स्नेहलता को कन्विंस कर लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब देखना
कल से सुब्रमण्यम भी ऑफिस देरी से आएगा। उर्वशी, उर्वशी, टेक इट इजी। ये बकरा तो साला कटने जा रहा है, ये तो गया। अमर, प्रेम, अमर, प्रेम, अमर, अमर, प्रेम, 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 अमर। गुड़ कहीं के रास्ते के बीच में चिपका चिपकी कर रहे मैं भी आया। अरे तुम लोग सड़क के बीच में। अरे अमर तुम। अरे डॉक्टर साहब आइए मैं आपको अपनी जान से मिलाता हूँ। ये मेरा प्रेम। प्रेम? I'm प्रेम डॉक्टर। ऐसी बातों में तुम बिल्कुल प्रेम बुझा रही हूँ। रास्ते के बीच में प्रेम, what a shame। इसमें शर्म की क्या बात है डॉक्टर साहब, मेरी और प्रेम की यारी तो कॉलेज के जमाने से है। यानी तुम्हारा प्यार इतना पुराना है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ, why don't you join us? क्या बकते हो? Yeah, doc, we'll have fun। अरे हट हट हट, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? Doctor, no, hat, hat, doctor साहब, hat ये तो, hat, doctor, hat, doctor, इसमें कौन चलो? Doctor, बेचारा डॉक्टर गबाड़े, पता नहीं कामासूत्र के कौन से पोज में हम दोनों को इस वक्त इमेजिन कर रहा होगा। अच्छा एक फुकड़ी देना, मेरी खत्म हो गई। फुकड़ी? यू मीन सिगरेट? तूने इतनी छोड़ दी क्या? नो वे यार, मैं क्यों छोड़ू, दिन में दो चार पैकेट तो सुलगा ही देता हूँ, बस अभी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मंगा लेते। वेटर। यस सर। एक सिगरेट पैकेट देना। जी सर। याद है कॉलेज के जमाने में ये अपना अड्डा हुआ करता था? हाँ यार। वक्त बदल गया लेकिन ये जगह नहीं बदली, वही टेबल, वही चेयर ना? यार मीठी कोई न्यूज़ है? या अभी दिल्ली में बिल्ली मार रहा है? अरे उसने दिल्ली में किसी रईस जौहरी की बेटी के साथ शादी की और वहीं सेटल हो गया, लेकिन मैंने सुना कि वो मुंबई वापस आया है और एक नया ज्वेलरी शोरूम खोला है ऐसा कुछ। उसने शादी बिल्कुल सही जगह की है। साले की पुरानी आदत थी। आई गॉट एन आईडिया। मुझे नहीं सुना। सुनना यार, Let's have a reunion, man. क्यों ना हम तीनों पहले की तरह मिलकर धमाल करते? Boys night out. Awesome idea, man. Just the three of us. अरे नहीं, चार. चार? तू, मैं, मीत और अपना यार. Come on. यार मीत नहीं आया। साला सारा ना लेट एंट्री मारेगा। ये वो देख मीत। कहाँ? वहाँ बाहर पर यार। साला आया लेकिन चल हो गया। बिल्कुल मजा नहीं है। चल सरप्राइज दे। बम बम बोले, हरे रामा हरे कृष्णा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। ना मिली कोई ब्यूटीफुल चिक तो चलेगा कोई भी टॉम हैरी या हाय। आप कौन है भाई साहब? अरे डेस्पो फट्टू, मैं यार मीत। मीत? यू लुक लाइक शिट। ये तुझे क्या हो गया? ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? ए जो लेटेस्ट फैशन होता है उसे तो सारा इंडिया पहनता है, लेकिन जो मीत पहनता है ना वो लेटेस्ट फैशन बन जाता है। अब ये सब बातें छोड़ो, लेट्स हैव सम एंड डू सम चीयर्स यार, कम ऑन। चीयर्स। सो गाइस हाउ इज लाइफ? हां क्यों बट्टू, कैसे चल रही है? हनीमून का लाइसेंस अभी वैलिड है या फिर कब का एक्सपायर हो गया है? हो गया यार, जिंदगी और शादी दोनों की गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही है। अरे वाह। और तू डेस्पो, तेरे क्या हाल है?
खुश है या फिर अभी खुद खुशी चल रही है? वेरी फनी. देखो गाइस, जू के पिंजरे में कैद बंदर और ज्यादातर शादीशुदा आदमी में कोई फर्क नहीं होता. दोनों गुलाटी चाहे जितनी मारना चाहे, चढ़ने के लिए पिंजरे में एक ही पेड़ होता है बेचारे. तो तू क्या अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो? अबे नहीं बच्चू, आंचल और मैं तो अपने प्यार के आशियाने में रहते हैं. तू तो मुझे जानता है, लड़की और कड़की, नींद का बाल भी मां का नहीं कर सकती. अच्छा तो तेरे बाल ऐसे चप्पट कैसे हो गए? जो इंसान बचपन से पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से अपने बाल कटवाता हो ना, उसे क्या मालूम नए हेयर स्टाइल्स के बारे में. हाँ, दिस लुक इज इन ड्यूड्स. यानी कि हर रोज बुफे खाने वाला मीत आज एक ही डिश से खुश है? अरे नहीं यार, आंचल कोई ऐसी वैसी डिश थोड़ी है. वो तो वो विश है जो ऊपर वाले से हर मर्द मांगता है, लेकिन वो देता है सिर्फ कुछ खुश नसीबों को. अरे क्या अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है यार. हाँ, ना रोकना ना टोकना, ना खिटखिट ना खिटपिट. वो मुझे इतना स्पेस देती है, इतना स्पेस देती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं यहाँ नीचे धरती पर हूँ और वो ऊपर स्पेस में. हेलो जानू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस 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 यू मिस मी नो. जानू पता नहीं तुम्हारे घर के बाहर चले जाते ही मुझे क्या हो जाता है. लाइफ इज सो शॉर्ट और इस शॉर्ट लाइफ में मैं तुम्हारे चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन, तुम्हारे मुंह से निकली एक भी बात, तुम्हारे साथ गुजारा एक भी पल नहीं मिस करना चाहती. आई लव यू सो मच. यू लव मी नो? फिर से? अभी अभी तो आधे घंटे पहले खाया था ना. आधा घंटा? पता है आधे घंटे में क्या क्या हो जाता है? आधे घंटे में टीवी सीरियल का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है. आधे घंटे में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है. आधा घंटा तो क्या, तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती है जानू. आधा ग्लास पानी देना. अबे झूठा था. Do you love me? I love you. और जोर से कहो ताकि सबको सुनाई दे. हेलो 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 हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम. हेलो 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 हेलो. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. बस खुश, बहुत खुश. अब मैं जा सकता हूँ प्लीज? ओके जानू, मैं फिर से फोन करूंगी. हाँ बाय. हेलो, मिस मी? ओके ओके बाय. उफ, ये नए फोन्स भी ना रेंज ही नहीं होता यार. अरे तेरा ड्रिंक खत्म हो गया. वेटर रिपीट. सर ये लास्ट ऑर्डर है. क्या? तो एक काम करो, 6 बॉटल और आ दो, क्योंकि आज कोई भी ऑर्डर हमें रात भर पीने से नहीं रोक सकता. राइट राइट. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे. प्रेम ये बंद करा यार ये रेडियो को. साला अपना दोस्त है लेकिन कितना बेसुरा गाता है. अरे इतने बरसों के बाद अपने दोस्तों से मिला हूं, आज ये पगली दिल खोल के गाएगी. अबे देख, तेरा गाना सुन के मोबाइल भी रोने लगा. हेलो, कहाँ हो तुम? आंचल पता है कितनी देर हो गई है. हेलो हेलो हेलो. नेटवर्क प्रॉब्लम? वहां बेटर है. जस्ट हेलो हेलो. ये पटू, हेलो. ये तो बोल रहा था कि इसकी बीवी उसको बहुत स्पेस देती है. हेलो, तो बार-बार फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो. हां बोलो जानू. हेलो जानू, जानू कहां हो तुम? मैं यही अमर प्रेम और मीत के साथ नहीं हूं. सच्ची मैं भी वहां आ जाऊं, इसी बहाने उन दोनों से भी मिल लूंगी. नहीं 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 नहीं, तुम यहां मत आना, मैं भी घर आ रहा हूं जल्दी प्लीज. ओके जानू, बट यू लव मी नो? हां आई लव यू. यू मिस मी नो? हां आई मिस यू. Bye. Okay, bye. ये क्या हो गया तुम्हें आंचल? Is this any way to behave? यही सिखाया मैंने तुम्हें? बार बार इन छोटी बातों के लिए तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? समझाया था ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब करो. मैं जब तक चाहूँ जितनी देर तक चाहूँ घर से बाहर रहूंगा. अंडरस्टैंड? तुम सो जाओ. पसलून बराबर बनता है सारा. क्या
तू नहीं समझेगा यार, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, अगर दोबारा फोन किया ना। तू इतने देर से हमें बेवकूफ बना रहा था? अपनी बीवी पर रोम जमाने का झूठा नाटक कर रहा था तू? क्या जरूरत थी ये सब करने की मेरे दोस्त? मेरे झूठ का कि मेरी बीवी मुझे स्पेस देती है। अरे मेरी बीवी तो स्पेस में घूमती है, सैटेलाइट की तरह है जो 24 घंटे मेरे सर पर मंडराती है और मुझ पर नजर रखती है। इतनी बड़ी चिपकू है कि अगर फेविकॉल वालों ने देख लिया ना तो उसे स्पॉन्सर कर देंगे। हम जब थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमारी दो सीटों के आगे के दो, पीछे के दो, दाएं के दो, बाएं के दो सारी सीटें बुक कर लेती है ताकि गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास ना आके बैठे। दोस्त ये जो मेरे चप्पू बाल है ना, ये कोई नया स्टाइल नहीं है दोस्त। पीपल के पेड़ के नीचे के गटर के पास बैठे बिरजू नाई से कटवाए मेरी बीवी ने, ताकि मेरी लंबी लटों को देखकर कोई सुंदर लड़की मेरे प्यार में लंबी ना हो जाए। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में ना सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेड़ से बांधा भी गया है। मत रो यार, तेरी बीवी 24 घंटे कम तेरे पीछे सैटेलाइट की तरह लगी रहती है। मेरी बीवी को शंकर किशन और पवन से टाइम मिले तो मेरे पीछे भागे ना। क्या तेरी बीवी का इन तीनों के साथ अफेयर चल रहा है? अबे नहीं रे, मैं शंकर भगवान, किशन कन्हैया और पवन पुत्र हनुमान की बात कर रहा हूँ। उसे चुने के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी मंदिर में खड़ा घंटा बजा रहा हूँ। तू तो सिर्फ घंटा बजा रहा है पर मेरी बीवी और उसकी बात तो मेरी पूरी बैंड बजाती है। उन दोनों की माँ बेटी की नहीं, WWF की जोड़ी है। जिंदगी के अखाड़े में रोज मुझे पटक पटक कर धोती है। आज मैं हम तीनों की हालत देख के समझ गया कि ज्यादातर मर्द ही हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों के पास तो दिल ही नहीं होता। ये बीवियाँ परेशान कर करके हम मर्दों को तो मार ही देती है। हमारी जिंदगी में ना ही कोई मजा है, ना ही कोई मस्ती, बल्कि एक ऐसी भेलपुरी है जिसमें चटनी नहीं है, एक ऐसी कुल्फी है जिसमें मलाई नहीं, एक ऐसी दाल है जिसमें तड़का नहीं। रोज वही फीकी सूखी बिना स्वाद वाली दाल खाकर मैं थक गया लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसी कोई लड़की ने मुस्कुराने के बाद हमसे तो प्यारी बातें करती तो क्या होता, हमसे गले लगती तो क्या होता, हमें चुम्मा देती तो क्या होता। तो बोलना क्या चाह रहा है भाई? वही कि हम सब हफ्ते में सैटरडे संडे बाहर खाना खाने जाते हैं या नहीं? जाते हैं। कभी सोचा है क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि घर का खाना खा खा कर आदमी थक जाता है, उसे भी कभी कभी बाहर की स्पेशल बिरयानी खाने की जरूरत होती है, वरना वही की दाल खा खा कर उसे उस दाल से नफरत होने लगती है। मैं तो कहता हूँ कि हम सब की शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है। अगर हमें बाहर की बिरयानी नहीं मिली तो हमें हमारी दाल, मेरा मतलब है हमारी बीवियों से नफरत होने लगेगी। मतलब कि अगर घर वाली से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढकर भेज किया जाए। Let's have an affair, guys! पागल हो गया ये। अबे सटक गई तेरी। अरे मरवाई का हमको, चल। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मस्ती दोबारा लाने का यही एक तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते। Don't get me wrong, we love our wives. लेकिन इस वक्त
हमें किसी और के प्यार की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि किसी और के साथ अफेयर करने से हम सबकी शादी सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मेरी बीवी को पता चला तो मेरी शादी बिगड़ने के लिए रहेगी नहीं। अफेयर? ऐसे कैसे अफेयर कर ले यार? अरे अफेयर करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, लड़की की। ये तू कह रहा है मीत? तू बदलता था यार, था। अरे अब भी कुछ नहीं बदला मेरे दोस्त, तू एक बार मैदान में उतर के तो देख। मैदान में जितने भी मेडन थे ना, सब कूद कूद कर तेरे साथ खेलने आएंगी। क्या बात कर रहा है यार? वैसे प्रेम, तुझे सही कहते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार जिंदगी में तू सही बोल रहा है। ऑलवेज मीत, तू भी पार्टी चेंज। नहीं नहीं, बात तो सुन यार। देख, मैंने सुना है जब एक मर्द अपनी बीवी से बेवफाई करता है ना, तो उसकी गलती का एहसास उसे काटने को दौड़ता है, और उस एहसास की वजह से वो अपनी बीवी से प्यार करने का और उसे खुश रखने की डबल कोशिश करता है। हाँ, और शायद प्रेम की बात मानने से और किसी लड़की के साथ अफेयर करने से हम भी अपनी बीवियों से ज्यादा प्यार करने लगे, यू नो। हाँ हाँ, कितनी कमीनी फिलॉसफी है तुम्हारी यार। बिल्कुल सही फिलॉसफी है। हाँ? तो आज एक फैसला करते हैं, आज से लेकर अगले एक महीने तक हम लोग घर की दाल नहीं खाएंगे। करेक्ट। और एक ऐसी रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जिसमें हमें बिरयानी भी मिले और बोटी भी। यस। और एक महीने के बाद दोबारा मिलकर एक दूसरे को बताएंगे कि हम लोगों ने कितनी बार और कितने मजे से बाहर का खाना खाया। लेकिन अबे क्या लेकिन, तू इतना फट्टू क्यों है रे? कम ऑन अमर, पिंजरे से बाहर निकल और जंगल का राजा बन। राजा तगर बिंदिया का फोन। मैं तो बोलता हूँ फोन काट। हाँ अमर, क्या काट दे फोन, वरना ये फोन अगले एक महीने तक तेरे रास्ते का काटा बनकर तुझे चुभेगा। काट। लेकिन कैसे काटूं यार? काट मेरे शेर काट। कम ऑन अमर, हिम्मत कर, काट दे फोन। चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन, चैन कुली की मैन कुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। हो 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 चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में रहा इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। शराबी उसके हैं गाल गुलाबी, इसके तो ठाट नवाबी। वाह 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 वाह, इसकी हाँ हाँ में बात है, उसकी ना ना में बात है, इसकी तो ना भी हाँ है। वाह 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 वाह, हाँ जी हाँ जी। अरे प्यार जता ले, गले लगा ले, आ जाएगा तुझको चैन।
कैश कर ले, बिंदास जी ले मर ले, वाह 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 वाह। बीवी है घर में अच्छी, बाहर बाहर की मच्छी, यारो है बात सच्ची, हाँ 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 जी, हाँ 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 जी। टप्पी लाला जफी बाले, चाहत पे ना कोई बैन हो। शीतल एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? जी सर। मैंने पूछा क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ सर, बहुत 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 खुश हूँ। तो फिर वो प्यारी सी मुस्कान कहाँ है जिसे देखते ही मैंने तुम्हें हंसते हंसते इस जॉब पर रख लिया था? ब्यूटीफुल। अरे डॉक्टर साहब रुकिए तो सही, क्या है? दिन भी आप जल्दी भाग गए थे और आपका और प्रेम का ठीक तरह से मिलन भी नहीं हो पाया। जितना हुआ काफी था। अरे डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी मुलाकात में आपने उसके दिल पे इतना बड़ा इम्प्रेशन किया कि पूछे मत। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद आपके नाम की माला जप रहा था वो। चेहरे पे क्या लाइट है, बॉडी कितनी टाइट है, वो तो आपका दीवाना हो गया और आपसे मिलना भी चाहता है। क्यों क्यों क्यों? कि कोई प्रॉब्लम है और आपके हाथों अपना इलाज करवाने के लिए बेकरार है डॉक्टर साहब, उसके लिए अपॉइंटमेंट लूं? हाँ लो। नहीं नहीं नहीं, बिजी हूं बिजी हूं, फुल है फुल है फुल है, सारा महीना फुल है, मेरा मतलब सारी जिंदगी फुल है। डॉक्टर साहब रुके, सुनिए मेरी बात। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम पे नहीं है। नो, कॉल हर, बुलाओ। क्या? हाँ, आज मैं उसे देखूंगा भी और उसकी बेचैनी और तड़प दोनों को वंस एंड फॉर ऑल मिटा दूंगा। लेकिन सर वो तो एवरेडी बैटरी है सर। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, आज मैं चार्ज होने के लिए और करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। रामू, नो मोर डैड, गिव मी रेड। स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेक्स सुब्रमण्यम, काम करो। सॉरी। वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो। नहीं भगवान, इसकी मत सुनना, उसे मेरे पास लाना। ले, बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ अकाउंट, आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूँगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को? ओह गॉड, एक्चुअली शाम को मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, यू नो, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूंगी। बिल्कुल अकेली? हम्म। तो फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पासबुक और चेकबुक लेकर मैं घर आ जाऊंगा।
रात को. Really? Of course. How sweet. आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे? अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है? ये तो हमारे बैंक की खासियत है. Room to room. Oh sorry, but door to door service. बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए. Oh sure. Why not? Thanks. Okay. प्रेम बाबू, हमारा वाइफ भी आउट ऑफ टाउन है. किसके साथ? You're right. वेंकटेश्वर. आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी. वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं, और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा. आप कितने अच्छे हैं. और अकेला भी. आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मेरा अकेलापन दूर करना. कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लिया ना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा. मैं बस यों गया और यों आया. Come on, Meet. You can do it. अरे मुझे तो लगा था इतने सालों की सुस्ती के बाद तूने जंग पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं. You're still the best. Come on. यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे शीतल के साथ देख लिया तो मेरी जिंदगी का केबल कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा. भाग मीत, टेबल के नीचे. जानू, मर गया मीत. जानू, जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी. तुम यहाँ? मैं तो वो बाथरूम जाने के लिए आया था ना. क्या है कि हमारे शोरूम का बाथरूम खराब हो गया, इसलिए यहाँ आया था. बहुत अच्छा बाथरूम है. वेरी गुड. वाह, क्या बाथरूम. चलो अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी. अच्छा, क्यों? I missed you, no, जानू. चलो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं. हाँ, आइसक्रीम. अच्छो, मुझे तो बहुत बुरी सर्दी है. सर्दी? हाँ. चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं. हाँ, चलो चलो पहले चलो. एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बिल. बिल? कैसा अजीब रेस्टोरेंट है, बाथरूम जाने के लिए बिल लगता है. बिल यहाँ नहीं, टेबल पर दो. टेबल पर दो बिल. क्या जानते हो तुम लोग? काम नहीं जानते हो? जाओ टेबल पर बिलो. तुम चलो ना डॉक्टर के पास. डॉक्टर के पास चलते हैं. तुम यहाँ क्यों आए? अरे जानू, कितनी अच्छी हो तुम. तुमने कितना ख्याल रखती है. एक्सक्यूज मी मैडम, योर बिल प्लीज. बिल? बिल तो वो देंगे. कौन वो? तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो. चलो. हेलो डॉक्टर. हेलो. अब आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? बेटर. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और होनी भी चाहिए, आखिर आप इतने फिट हैं, इतने चुस्त हैं. Really? Of course. जब शर्ट में से इतने कट्स नजर आते हैं, तो बगैर शर्ट के तो आप. आइए लेटी ना, बैठी ना. Sure. डॉक्टर साहब, आज आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा. जो कुछ भी करना है बस खत्म कर दीजिए. Of course. वैसे क्या लग रही हैं आप? क्या फिगर मेंटेन किया आपने? कमाल लग रही हैं आप. कहाँ मेंटेन किया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं. छू कर देखिए ना. देखिए ना. मैं से मोटापा नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि now there is more of you to love. So sweet. आपको ना एक औरत के सारे राइट बटन दबाना अच्छी तरह से आता है, है ना? मुंह खोले. Hi. Hi. How are you? Very well, thank you. आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी. आप जैसे ब्यूटी ड्यूटी के लिए मैं तो दौड़ा चला आया. Really? Yes. How sweet. Thanks. ये रहा आपका पासबुक और चेकबुक. पासबुक अपने पास रहने दीजिए. चलिए बेडरूम में चलते हैं. बेडरूम? हाँ, बहुत अच्छा बेडरूम है आपका. इतना रूम है, बेड भी है. How cute. बहुत गर्म है, मेरा तो बहुत नरम है आपका बेड. वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी नाजुक हूँ, इसलिए मुझे ज्यादातर नरम चीजें पसंद है. नरम? सिवाय कड़क चाय के. यहाँ कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहुत गर्मी है. तो कपड़े क्यों नहीं उतारते? क्या? रिलैक्स. और ये गर्मा गर्म दूध. मैं यूं गई और यूं आई. पियो ना. हाँ, हाँ, हाँ. अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले,
दूध ही लेना है तो ले ले, दूध ले ले, टिंग टिंग टिंग। कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मत छुआ करो। आप नाराज क्यों होते हैं? बहुत थके लग रहे हैं। हाँ हूँ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखा है, थोड़ा सा पी लीजिए। दूध? हाँ दूध, नया ब्रांड है, ले ले दूध। ले ले, अलग अलग स्वाद है, स्ट्रॉबेरी मिलता है। क्या हो रहा है आपको? दूध ले मैंने कहा ना मैडम, एक बार जो चीज हमने बेच दी हम एक्सचेंज नहीं करते। शीतल, जरा एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तुमसे दो मिनट बात करनी थी। मैं कस्टमर के साथ जरा बिजी हूँ। अच्छा सुनो तो, फिर लंच टाइम में रेस्टोरेंट में चल के बात करें। आज मैं अपना खाने का डब्बा घर से लेकर आई हूँ, बट थैंक यू एनीवेज। अरे मेरी बात तो सुनो। ओह सॉरी। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रियली सॉरी मैडम, मैं ये हार एक्सचेंज नहीं कर सकती। कर दो। जी सर। एक्सचेंज इट। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी? हमारी कंपनी की सिर्फ एक पॉलिसी है। The customer is just. Huh? I mean, the customer is always right. जाओ, बदल के लाओ। कहना कि वो हार उतना कीमती नहीं है जितना कि आप। जी? ग्राहक भगवान होता है ना, उसकी तो पूजा की जाती है। पूजा से याद आया, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? हा? पूजा? हाँ। आप पूजा के भाई? हाँ, और तुम? I'm Monica. Oh my God, कितने बदल गया तुम? तुम भी? मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ। जैसी भी हो, कमाल की हो। तुम्हें याद है हम पिछली बार रॉकी की पार्टी पे मिले थे? रॉकी? हाँ याद है, याद है। हाँ। और तुमने इतनी शराब पी थी, इतनी शराब पी थी कि तुमने अपनी पैंट उतार कर अपने हरे कच्छे में स्विमिंग पूल में कूद लिया था। और तुमने इतनी उल्टी की कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कभी कभी हो जाता है ना। वो लड़की का नाम क्या? सपना। सपना? तुमने सपना की स्कर्ट और उसने कस के तुम्हें तमाचा मारा था और तुम्हारा गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। क्यूट लग रहे थे। रियली आकाश, तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपको गलत फहमी हो रही है। इनका नाम आकाश नहीं, मीत है। अगर इनका नाम आकाश नहीं तो मैं भी कोई पूजा वूजा की सहेली नहीं। जी जी हाँ। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम। थैंक यू। सी यू। सी यू मोनिका। She's intelligent, she's hot, and she's strong. Hey, लगता है मैं तो गया। तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? Love Nest, Berry Cross Road, Bandra West. जब हार लेकर गई थी तो पता छोड़ गई थी। मेरी तकदीर अच्छी है नहीं? अंदर कैसे घुसे? आपके घर के बाहर जो वेलकम मैट है उसके नीचे आपके घर की चाबी है। Wow, what a welcome, madam. Shut up. तुम जानती हो इस तरह किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या हो सकता है? Well, I'm hoping कि हसीन हो आपकी तरह। बाकी अब सब कुछ आपके हाथ में। और अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं तो? मैं तो खुद को आपके हवाले करने आया हूं। आगे आपकी मर्जी।
लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है आप ऐसा नहीं करेंगी। मुझ पे इतना यकीन? आप पर भी और खुद पर भी। माना कि आप किसी पूजा वूजा को नहीं जानती, लेकिन शायद पूजा के इस भाई को जानने भी लगेंगी और चाहने भी। कैसे कर लो तुम पर यकीन? कहीं छुरा वुरा दिखाकर मुझे लूट ले आता हो? मैं तो खुद यहाँ लूटने आया हूँ, फिर भी चाहो तो तलाशी ले लो। इतनी जल्दी नहीं, बस थोड़ा इंतजार। सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा। चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। हे हे हे, चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। छोड़ के सारी बातें, बस रोमांस रहेगा मेन। ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ इन द रेन, on the roof in the rain। चोरी चोरी छोरा छोरी छत पे मिलेंगे तो खेलेंगे प्रेम गेम। छोड़ के सारी बातें, बस रोमांस रहेगा मेन। on the roof in the rain, on the roof in the rain, on the roof in the rain, on the roof in the जो हंसोगी दीवाना कर दोगी तो आएगा कैसे चैन। ऐसे जो हंसोगी दीवाना कर दोगी तो आएगा कैसे चैन। कह रही बेताबियां हालत अपनी है से। On the roof in the rain, on the roof in the rain, on the roof in the rain, on the roof in the डरते। अच्छा, जो सोच लेते हैं वही करते। हाँ, छू नहीं ऐसे बताऊं तुम्हें कैसे गए उठता है दिल में पेन। छू नहीं ऐसे बताऊं तुम्हें कैसे के उठता है दिल में पेन। ओहो, लॉस नहीं है इसमें कोई, इसमें भी है गेन। ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द रूफ इन द रेन, ऑन द
सारी बातें बस रोमांस रहेगा मेन ऑन द रूफ इन द रेन 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 अमर आज की शाम एक महीना पूरा होने के नाम सो माय डियर मीत लेट्स मीट और टकराएं जाम से जाम यस अबे प्रेम आज प्रोग्राम तेरे घर पे कैसे रखा अरे मेरी बीवी हमेशा की तरह जगराता पर गई है सो व्हाई नॉट हियर एक आईडिया मैन ए मीत बोलना बिरयानी खाए कि नहीं अबे यार मेरी तो दूसरे ही दिन निकल पड़ी क्या बात कर रहा है और कोई मामूली बिरयानी नहीं शाही चिकन किन बिरयानी यार मुझे तो कुछ दिनों के लिए ऐसे लग रहा था कि बिरयानी तो दूर मेरे हाथ मूंगफली भी नहीं लगने वाली शुक्र है किसने तुझे दूध नहीं पिलाया क्या यार सुनना फिर तीन हफ्तों पहले मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आई जिसके बारे में मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था ए, लगता है तू की फटी हुई किस्मत सिल गई ए प्रेम तू बता ना तेरे साथ क्या हुआ कुछ लोग देर से आते लेकिन दुरुस्त आते हैं दो हफ्ते पहले वो मेरी जिंदगी में ऐसी आई जैसे बाहर आई यार अबे साले तू मेरी वाली को देखेगा ना तो तेरा ये मुंह खुला का खुला रह जाएगा अरे तू मेरी वाली को देखेगा ना तो तेरा मुंह भी खुला रह जाएगा और जुबान लटक कर घुटनों तक पहुंच जाएगी सॉरी टू इंटरप्ट गाइस लेकिन अगर तुम दोनों मेरी वाली को देखोगे ना तो जुबान के साथ साथ दिल भी निकल कर उसके कदमों में आ जाएगा अच्छा अच्छा तो देखते हैं ना किसकी वाली ज्यादा खूबसूरत है ओके ओके रह गया ना मुंह खुला का खुला उड़ गए ना होश यू श्योर ये तेरी वाली है कोई शक तो फिर मेरी वाली कौन है अबे ये कैसे हो सकता है तेरी वाली और मेरी वाली की शक्लें हूबहू एक जैसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट गॉट इट अरे दोनों जुड़वा मैंने होंगे सीता और गीता यार थैंक गॉड जुड़वा मैंने तो सुनी थी लेकिन ये तिड़वा कहां से आई सीता गीता मोनिका 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 हाँ मेरी वाली का नाम तो मोनिका है ए अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम इज्जत से ले तो जान से मार दूंगा थैंक यू प्रेम ठीक है ए तू क्यों थैंक यू बोल रहा है बे क्योंकि मैं मोनिका का मीत हूँ वो मेरी है ए मोनिका नहीं तेरी है नहीं मोनिका मेरी है पिछले दो हफ्ते से हम दोनों का चक्कर चल रहा है क्या कमीने तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चलाने की कोशिश की है प्रेम मैं जानता था कि तुझे दूसरों की प्लेट में झांकने की आदत है लेकिन तू मेरी प्लेट में मुंह मारेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था देखिए भाई साहब तुम दोनों कुछ गलत फहमी हो रही है एक्चुअली मोनिका तो मुझसे प्यार करती है ए! तुझ पर दया कर एक दो बातें क्या कर ली होगी उसने कि तूने बैठे बैठे अपने रास्ते इमेजिन कर ली उसके साथ एक बात कान खोल कर सुन ले कि मोनिका सिर्फ मेरी बांसुरी की धुन पर नाचती है सिर्फ मेरी अबे हट ये बैंड मास्टर अपनी बेसुरी बांसुरी बंद कर वरना तोड़ के हाथ में दे दूंगा हाथ लगा के तो देख मैंने भी चूड़े थोड़ी पहन रखी है अच्छा तू देख भाई क्या डाउन बॉयज मोनिका तुम यहाँ क्यों तुम तीनों का दिल चुरा सकते हो तो प्रेम के घर की चाबी नहीं चुरा सकते क्या बिल्ली मारने निकले थे ना अभी अपनी अपनी दुम दबाकर चुपचाप बैठ जाओ तुम देना क्या चाहती हो तुम मर्द हर वक्त इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलते हो उस दिन बैंडस्टैंड पे भी तुम इसी तरह चिल्ला रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया क्या हाँ दाल छोड़कर बिरयानी खाने का प्लान अपने बीवियों को धोखा देने का प्लान मैंने पता करवाया कि तुम लोग रहते कहाँ हो वगैरह वगैरह और फिर बिरयानी ढूंढने वाले तीन बकरों को फंसाने का प्लान बनाया पहले मैं मीत के शोरूम पे गई हार लौटाने के बहाने और मेरी प्लान के मुताबिक वो अपना दिल हार बैठा और फिर मैं अमर की क्लिनिक गई हेलो कैन आई कम इन जया श्योर प्लीज कम इन दांत का दर्द दिखाने और खुद उसकी जिंदगी में दर्द बन जाने और फाइनली मैंने प्रेम के बैंक में अकाउंट खोला एक्सक्यूज मी यस मैम
Can I open an account, please? एक ऐसा अकाउंट जो हमेशा के लिए उसके अकाउंट को खाली कर देगा। मतलब तुमने खिलवाड़ किया हमारी सच्ची लस्ट के साथ? लस्ट नहीं, लव के साथ। हाँ, बहुत शौक था ना घर की दाल को छोड़कर बाहर की बिरयानी खाने का। अब अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी बीवियों के पास जाकर तुम्हारे खाने का बिल दिखा दूं, तो कल शाम तक मुझे 10-10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। 10 लाख? अरे 10 लाख रुपए तो क्या मैं तुझे 10 नए पैसे नहीं दूंगा? हाँ, अगर तू लोटा लेकर सिग्नल पर भी खड़ी हो गए ना, तब भी हम तुझे भीख नहीं देंगे। क्यों अमर? हाँ ठीक है, फिर मैं गीता भाभी के लिए यहीं रुक जाती हूँ। अपने पति की तस्वीर की रोज पूजा करने वाली औरत अगर तुम्हें मेरे साथ इस तस्वीर में देखेगी तो लोटा लेकर सिग्नल पर मैं नहीं तुम नजर आओगे। फोटो? वैसे तुमने मॉडलिंग के बारे में कभी नहीं सोचा? बड़ी फोटोजेनिक हो। अबे ये तूने क्या किया प्रेम? कोई गधा ही किसी को अपनी इस तरह की फोटो खींचने दे सकता है? गधों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल है। क्या? देख लो। हाँ, और अगर प्रेम मॉडल बन सकता है तो तुम तो गारंटी हीरो बन सकते हो। देखो चेहरे में कितनी लाइट है। मोनिका जी कह दीजिए ना कि तुमने मेरी तस्वीर नहीं खींची, प्लीज। सॉरी डार्लिंग, बट डोंट वरी, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें जान से मार देगी तो अगले दिन के न्यूज़पेपर में मैं यही फोटो छपाऊंगी। प्लीज हमारी बीवियों को ये फोटो मत दिखाना। हमारे पास पैसे होते तो हम दे देते, लेकिन हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। लेकिन तुम तीनों के बीवियों के पास तो है ना, तभी तो बैंक में काम करते हो, लेकिन फिर भी इतनी आलीशान घर में रहते हो। तुम तीनों लाख बेवकूफ सही, मगर शादी बड़ी समझदारी से की है। कल मैं तुम तीनों का इंतजार बैंक स्टैंड पर करूंगी, और अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो समझ गए ना। गुड बाय बॉयज। मीत, सर अपनी गाड़ी की चाबी तो देना। क्यों? डार्लिंग, इतनी बड़ी रकम लेने में रिक्शा में आऊंगी, अच्छा लगेगा क्या? बाय स्वीटीज, सी यू टुमारो। लग गए ना रस्ते, हो गए ना बर्बाद। अच्छा भला घर की दाल चुपचाप से खा रहे थे, साले तेरे आइडिया के चक्कर में बिरयानी खाने निकले और अटक गई ना गले में हड्डी। अच्छा अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो? तू अकेले थोड़ी फंसा है, फंसे तो हम सब है ना। शिट, शिट। अगर बिंदिया को वो तस्वीरें मिल गई ना, वो तो मुझे चीर फाड़ डालेगी यार। चीर फाड़? उससे पहले तो वो मोनिका की बच्ची हम तीनों का कीमा बना देगी, कीमा। गली के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अरे यार खाए तो मैंने भी कुछ नहीं, और इतना महंगा बिल भरना पड़ रहा है यार। मतलब तूने भी कुछ नहीं? हाँ यार, अरे उस लवलेस में मुर्गी नहीं अंडा मिला, अंडा। उसने कहा था बस थोड़ा सा इंतजार। सबर का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। यानी कि साला खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 30 लाख का। अगर हर रोज मैं अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर जमा करूँ ना, तो 20 जन्म में इतनी रकम नहीं जुटा पाऊंगा। अरे मैं तो बैंक में सिर्फ काम करता हूँ, बैंक थोड़ी मेरे ससुर की है। अरे जो कुछ मेरा है वो तो मेरे स्वर्गीय ससुर का ही है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों से बातों में उलझे रखो, पीछे से आके सारी का गला तापा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, धीमी आंच पर उसे उल्टा लटका कर उसका तंदूर बनाते हैं, तंदूर। एक मिनट, उसकी सुपारी दे देते हैं और मैं हिटमैन को पर्सनली इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि उसे तड़पा तड़पा कर मारे। मैं एक बात बोलूँ? हाँ बोल बोल बोल। चुपचाप पैसे दे देते, इस कंपनी का करोड़पति को अभी बंद होना था। अगर पैसे नहीं मिले तो मोनिका इस पति को रोड पे ले आएगी। अरे तुम छत पर क्या कर रहे हो? अब तक नहाने नहीं गए? अगर पैसे मिल जाए तो गंगा नहा लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं जाऊंगा, नहाने जाऊंगा। डार्लिंग एक कप चाय मिलेगी? इस घर को चाय की दुकान समझ रखा है क्या? रोज एक कप चाय पीकर ही हल्के होने जाते हो, सुबह से 10 कप पी चुके हो और बाथरूम जाने का कोई नाम ही नहीं। हल्का कैसे हो जाओ, उसने इतनी भारी पुच्चो मारी है। क्या? कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। इन्हें भी कलयुग में आना था। एक और सीनियर सिटीजन के घर में ढाका और इस बार बेचारी 60 साल की बूढ़ी औरत के घर से पूरे 13 लाख लूट कर ले गए। आगे बढ़िए ना। पुलिस का कहना है पूरा गैंग ऑपरेट करता है, पहले किसी बहाने से घर की घंटी बजाता है डिंग डोंग, उसके बाद घर में एंट्री लेकर सब कुछ साफ कर देता है।
और ये गैंग के गट्स देखो, चोरी के बाद वहां पर अपनी निशानी छोड़कर जाता है। निशानी गोल्डन कलर का ग्लव। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड इज कमिंग टू। गैंग, हाउ इंटरेस्टिंग। मम्मी जी, क्या है? मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। तो आरती उतारूं? नहीं नहीं, बिंदिया आए तो कह देना कि मैं घर देरी से आऊंगा। कह दूंगी। वो भी तो किट्टी पार्टी के बाद शॉपिंग जा रही है, लेट आएगी। और आप भी जरा घर के दरवाजे को अंदर से ठीक से लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सामान बहुत खराब हो गया है ना। तो अपनी फिक्र कर। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय लगू सासू जी। पैर इधर है। जानू, जानू देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊँ? अभी मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? छोड़ो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार। रामलाल जी की चिट्ठी आई है। रामलाल जी? हाँ, पता है आज से पूरे 30 साल पहले जब पिताजी पहली बार मुंबई आए थे तब उनके जेब में सिर्फ 1 10 रुपए का नोट था। तब रामलाल जी ने उन्हें घर दिया, खाना दिया, नौकरी दी, सहारा दिया। इतना सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में? सुनो ना, मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मीत, भगवान चाहे तुम्हें जितने ही मौके दे, रामलाल जी का एहसान चुकाने के लिए वो कम है। और आज उनकी चिट्ठी आई है, उनकी बेटी की शादी हो रही है और लड़के वालों ने दहेज मांगा है। उन्होंने आज पहली बार मुझसे मदद मांगी है। अब तुम ही बताओ भला मैं उनकी मदद कैसे करूं? अरे, कैसे करूं? क्या कर रहे हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। नहीं आंचल, नहीं नहीं, मैं उन बेशरम पतियों में से नहीं हूं जो अपने बीवी के बाप के पैसों को अपने बाप के दोस्तों में दान करते। कैसी बात कर रहे हो, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। नहीं आंचल, मैं अपनी बीवी से पैसे कभी नहीं ले सकता, नेवर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बापू, मुझे माफ कर देना बापू, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। जानू, 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 प्लीज मत रोना जानू। देखो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। आंचल, कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? सिर्फ 10 लाख। क्या? आज शाम तक। ओ, मगर घर पे मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना? कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है? कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। कौन है? अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो का है ना कि हमारी भैसन माँ जरा सुबह देरी से उठी ना, इसलिए। अजीब फैशन माँ की भैसन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ। Thank you.
You want to mess with me? Good night, my sweetheart. Golden Glove Gang. भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूँ कुछ ऐसा चक्कर चला दे कि लक्ष्मी आकर मेरे कदमों में गिर जाए। भगवान, मैंने तुझसे लक्ष्मी मांगी थी, मां लक्ष्मी नहीं। समय समय इसको पैर पड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जी, आपसे एक छोटी विनती करनी थी। क्या है, जल्दी बोलो। जिस सार्वजनिक संस्था की मैं मेंबर हूँ ना, वो पिछले 2 महीनों से बेघर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार, मैं चंदा कहाँ से दूंगा? अरे आपको कुछ देना नहीं है, चंदा इकट्ठा हो गया है। उन बच्चों को एक नई जिंदगी देने की ये हमारी छोटी सी कोशिश है। कितनी छोटी कोशिश है? 12,05,350 रुपये। 12,05,350 रुपये? तो मैंने सोचा कि पैसे अच्छी तरह से बैंक में जमा करने वाला आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप मेरे लिए पैसे जमा कर देंगे ना जी? मैं? तुम महान हो, भगवान का वरदान हो, मेरे जीवन का सवाल हो। छोड़िए मुझे, मेरी जान। जानू, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे ये पैसे देकर, ये जिम्मेदारी देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। भूल जाओ, आज के बाद इन पैसों को भूल जाओ। क्या? अब मेरा मतलब इन पैसों की चिंता करना भूल जाओ, मैं इन पैसों को बिल्कुल सही जगह पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग के लिए जा रही हूं। जाओ सत्संग, गो। लेकिन जानू, बैग। सॉरी बच्चों, अगर मुझे बेघर होने से बचना है तो आपको कुछ दिन और बेघर रहना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, अबे फटू सुन, सारा पैसा अब इस बैग में है, इसे कुछ हुआ ना तो तेरी धुलाई कर दूंगा। धुलाई? तेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं अपनी सास को भेज दूंगा। तुमसे अच्छी धुलाई तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं कर सकती। अरे धुलाई तो मैंने भी अपनी खुद की करवाई, लेकिन झूठ मूठ की। खुद के कपड़े फाड़े, मेकअप करके घर पहुँचा और कहा मैं करता भी तो क्या करता, वो लोग 4 थे और मैं सिर्फ 1। 10,00,000 रुपये ले गए, साथ में ये 2,05,350 रुपये छोड़ गए। शायद उनको 10,00,000 की ही जरूरत थी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से आप सही सलामत है। मेरी श्रद्धा और पूजा काम आ गई, अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पहले से भी ज्यादा व्रत रखूंगी। क्या? हाँ। मतलब अब तो कुछ और महीनों तक भूखा रहेगा। अरे इस मोनिका नाम की बंदूक ने मेरी भूख ही मिटा दिया यार। हिम्मत, मोनिका की गाड़ी। देखा कैसे आराम से बैठी हुई है। हम जैसे बकरों को फांस के मजे से ही बैठेंगे ना। चल हम पैसे साथ लाए। मोनिका जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो हेलो, इसे किसने मारा? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? मैंने थोड़ी मारा यार, हम यकीन कैसे कर ले? ए प्रेम, तू ज्यादा शाना मत बन, समझा ना? तू इसको पूछना, ये कह रहा था ना उस दिन कि रस्सी से गला घोट के मार देते, देख देख गले पे निशान भी है रस्सी के। हाँ? तुम मेरी तरफ ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे मक्खी नहीं मारी, इसे क्या मैं खाक मारूंगा? अरे यार ये भी सही बोल रहा है। ये फोटोज, वो पैसे लेके फोटोज देने वाली थी ना। बैग 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 नहीं होंगे। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। जल्दी करना।
ए बेना। हाय हाय, एक चिकनी तीन चिकने, क्या सीन है? देखो अभी हमें जाना है। अरे हीरो, ऐसे कैसे चले जाओगे बिना कुछ दिए ही? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्यों बेबी? हाय हाय, ये बेबी कुछ बोलती नहीं क्या? क्या हुआ इसे? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तबीयत खराब है, तभी मैं देखूं सर। पैसे देना। क्या करें, छुट्टे पैसे, छुट्टे। हाय हाय, भगवान तुम्हारा भला करे, लंबी उम्र हो तुम्हारी। लंबी उम्र? अब उम्मीद तक नहीं। दोबारा मिलना। हाय हाय, टाटा। शिट, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चुप भट्टो, मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मुझे जेल नहीं जाना यार। शिट शिट, शट अप यार, दोनों इडियट्स। शिट, डॉक्टर कब आया? हमको देख लिया यार। शिट शिट शिट, अबे लेकिन तू क्या कर रहा था? वैसे भी मैं समझा कि तेरे में अफेयर चल रहा है। चुप करो यार तुम दोनों। चल 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 निकल। अब क्या करें? अरे अब देखो, सब अपने अपने घर जाओ चुपचाप, और आज के बाद याद रखना, ना ही हम किसी मोनिका से मिले थे और ना ही मैं तुम दोनों को जानता हूँ। मुझे भी तुम दोनों का चेहरा आज के बाद देखना ही नहीं है। मनुष्य, वो बारात जब मैंने तुझे सड़क के पार देखा था, उस बारात ने बेचारी मोनिका का तो जनाजा निकाल दिया। अभी जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। भगवान ने चाहा तो आज के बाद कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, हम तो यहाँ हवा खाने आए थे। हवा खाने का इतना ही शौक है तो जेल की हवा खिलाता हूँ। समंदर की सैर बहुत कर ली, कहो तो हवालात की सैर कराता हूँ। क्या हुआ, सबकी हवा क्यों निकल गई? नहीं नहीं सर, हम तो बस। तुम लोगों को लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप जानते? बच्चे, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इंस्पेक्टर सिकंदर को धोखा नहीं दे सकते। हमारा यकीन कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ कुछ नहीं किया। आधी रात सड़क पर गाड़ी रोके शराब पीते और कहते हो कुछ नहीं किया। शराब? अब हमने शराब थोड़ी पी है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। हाँ सर, सची मदर स्वेयर, शराब तो दूर की बात है, ये तो दूध भी नहीं पीता। राइट सर, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जो गैर कानूनी हो। कभी नहीं। गुड, और करना भी नहीं, बिकॉज आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। जाओ यहां से, ठहरो। और एक बात याद रखना, दुनिया में सिर्फ तीन चीजें हैं जो कितनी भी कोशिश करो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कुत्ते की दुम, पड़ोसी मुल्क की नियत, और सिकंदर के हाथों से मरोड़ी हुई गर्दन। जाओ यहां से। बाल बाल बच गए, अगर वो इंस्पेक्टर 5 मिनट पहले आया होता ना तो हमारी तो मोनिका हमारे फोटो साथ क्यों नहीं लाई? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अब जब मोनिका ही नहीं रही तो फोटो से क्या डरना?
नहीं मीत, अमर सही कह रहा है, जब तक फोटोज हमारे हाथ ना लगे डर तो रहेगा ही ना। हाँ यार, ये मेरी बीवी मेरी जान लेगी क्या? हेलो, हाँ क्या है? अभी के अभी घर आओ। क्या क्यों, क्या हुआ? घर आओ, बताती हूँ क्या हुआ। और तुम्हारे वो दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेके आना। क्या हुआ? अरे यार, मैंने आज तक आंचल को इतने गुस्से में नहीं देखा यार। और वो तो मुझसे कह रही थी कि अपने दोनों कमीने दोस्तों को भी साथ लेकर घर इसी वक्त आओ। क्या? हाँ, और ऐसे भड़क रही थी जैसे कि उसने मुझे मोनिका के साथ। अबे अबे, कहीं मोनिका ने वो सारी फोटोज हमारे घर तो नहीं भेज दिए? क्या बात कर रहा है यार। शिट 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 शिट। दरअसल बात ऐसी है ना जानू कि मत कहो मुझे जानू। तुम्हें क्या लगा कि मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? हाँ, आंचल मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं चाहे जो भी गलती कर लूं वो मुझे माफ कर देगी, यही सोचा था ना तुमने? मगर तुम एक बात भूल गए कि औरत जितना प्यार कर सकती है ना उतनी ही नफरत भी कर सकती है, और वक्त आने पर वो लक्ष्मी से दुर्गा का भी रूप ले सकती है। तुम दोनों, लानत है तुम दोनों पर। तुम दोनों दोस्त नहीं, दरिंदे हो, दरिंदे। मुझे पता है ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए तुम दोनों ने ही इन्हें बहकाया होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सारा प्लान तो इस प्रेम का है। झूठ बोल रहे हो बिंदु। तुम यहाँ? हाँ, हम तीनों यहाँ है। गीता, क्यों, तुम्हें क्या लगा हम दिव्या नहीं जानती कि उनकी पति क्या कर रहे हैं? हमें सब पता है। क्या? हाँ, हम जानते थे कि तुम तीनों ये प्लान पिछले एक महीने से बना रहे हो। और अगर तुम दोनों को ये लगता है कि मैं अपने पति को उनके जन्मदिन की रात अपने बीवी के साथ नहीं बल्कि तुम दोनों के साथ बिताने दूंगी तो तुम लोग गलत सोचते हो। हाँ, जन्मदिन 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 जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। क्यों डरा दिया ना तुम तीनों को? हम तीनों बीवियों ने सोचा कि अब जबकि तुम तीनों पहले की तरह एक साथ घूमने फिरने लगे हो तो हमें भी दोस्ती करनी चाहिए। इसीलिए तो प्रोग्राम बनाया कि आज हम सब इकट्ठे मिलकर मीत का जन्मदिन मनाएंगे। मीत का जन्मदिन और मोनिका का मरणदिन। सुनो ना, आज हम सब सेलिब्रेट करने होटल जाएंगे और बिरयानी खाएंगे। बिरयानी? जाने मेरा दर्द नहीं जाने, लगता है लेके रहेगा मेरी।
मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही। मम्मी 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 तो बाथरूम में, नहीं नहीं आई मीन बेडरूम में, तुम जाके उन्हें खोलो, आई मीन मिलो, तुम जाके उन्हें देखो, मैं अभी आता हूँ, ओके बाय। लगता है पुड़िया मिल गई। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी, मम्मी जी आपका ये हाल किसने किया? दूध वाले ने। दूध वाले ने? क्यों? इस महीने के दूध का बिल तो हमने दिया था। अबे गधे, सोफा गधे, चोर दूध वाले के भेष में आया था, लेकिन मैंने उस कमीने को ऐसे घूंसे मारे कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं। कीड़े पड़े उसे, उसकी सात पुश्ते बेऔलाद निकले। मम्मी जी, अगर उसकी सात पुश्ते बेऔलाद निकलेंगी तो उसकी सात पुश्ते आएंगी कहाँ से? तो डाक करने मत जाता मेरे साथ इस वक्त। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। चल चल अभी चल। नहीं, वो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी का इतना बुरा हाल करके वो चोर घर लूट कर चला गया और हम पुलिस को नहीं बुलाए? अरे चोर वो पैसे लेकर गया ही नहीं। क्या? तुम्हें कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले देख तो ले कि घर में क्या क्या चोरी हुई है, उसके बाद पुलिस को बुलाते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करता है। अरे तू अभी इधर ही है, चल ना देखते हैं। अरे यहाँ तो पहले से भी ज्यादा पैसा है। क्या? हाँ, ये कैसा चोर है जो पैसे लेने के बजाय पैसे छोड़कर चला गया? मैं बताता हूँ, चोर यहाँ आया था चोरी करने के लिए, लेकिन मम्मी जी के दर्शन होते ही उसकी आंखें खुल गई। आंखें मम्मी जी के पावन स्पर्श से उसे एहसास हो गया कि वो जुर्म और बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चले, इसलिए उसने वो सारे पैसे भी यहाँ छोड़ दिए जो उसने कहीं और से चुराए थे। वाह मम्मी जी वाह, यू आर ग्रेट, आप देवी हो देवी। अब अगर पुलिस को फोन किया तो वो यहाँ के पैसे ले जाएगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक मिनट, तेरा पहला वाला आइडिया बेटर है। बेटर पैसे अंदर रख, तिजोरी बंद कर, पुलिस को कोई और फोन करें, हम क्यों करें? चलो। क्या पहन रखा गीता? क्यों, क्या मैं पीने लग रही हूँ? कुछ ज्यादा ही। तो आई है, आज प्यार के आंगन में गुलाब ही नहीं पूरा गुलदस्ता खिला देते हैं। यहाँ हम दोनों के सिवाय और कोई नहीं है जानू, आओ ना। आज क्या हो गया आपको? बार बार किसका भूत देख रहे हो? मोनिका का, अब मेरा मतलब किसी का नहीं। तो चलो ना जानू। जानू एक मिनट, आज नहीं गुलदस्ता फिर कभी खिलाएंगे, आज माली की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जान ये उन खुशियों जितने अनमोल नहीं है जो तुमने मुझे दिए हैं। फिर भी एक छोटी सी कोशिश तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। जाने एक बात पूछूं, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने कोई गलत काम किया हो तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? अभी देखकर आती हूं इस रोमांटिक पल को कौन खराब करने आ गया। मीत मेहता घर पर है? आपको क्या काम है? उन्हें बुलाइए, सिकंदर साहब ने थाने पे बुलाया है। क्या थाने पे? आ मेरे साथ। कल शाम को तुम तीनों बैंड स्टैंड पर थे और कल शाम को वहां से हमें एक लड़की की लाश मिली। इसे देखकर बताओ कि तुमने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। बोलो।
Are you sure? Of course, sir. Sir, इतना खूबसूरत चेहरा कोई भला कैसे भूल सकता है? कौन थी बेचारी इंस्पेक्टर साहब? इसका नाम मोनिका था. पता है. इसका मतलब है कि आपको कैसे पता है कि इसका नाम मोनिका है? मेरा मतलब है था. इसकी जेब से इसका ड्राइवर्स लाइसेंस मिला. हाँ. गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था उसे. इसका मतलब है कि इनकी मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट से? किसी ने बेरहमी से उसका गला घोट के उसे मार डाला. एक्सक्यूज मी सर, मोनिका के घर की तलाशी ले ली हमने. कोई सुराग मिला? नहीं सर, अंधेरी में हीरा विला में जहां वो रहती थी हमने वहां पे सबसे पूछताछ की मगर कुछ पता नहीं चला. दोबारा उसके घर की तलाशी लो, खूनी का पता वहीं से चलेगा. सर, तुम तीनों को यहां बहुत गर्मी लग रही है. नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, कूल है. बॉम्ब के फटने से धमाका निकलता है, पतलून के फटने से धागा निकलता है, और एयर कंडीशन कमरे में अगर किसी तो पसीना निकलता है. तुम लोग जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो वापस बुलाऊंगा. वापस? ओके सर, हम तीनों आपकी पूरी मदद करने को तैयार है. मदद तो अब उस कातिल के ऊपर वाला भी नहीं कर सकता. वो जहां कहीं भी हो मेरी नजरों से ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता. Because I hate crime. And you hate criminals. Go! लगता है साले को हम पर शक हो गया. अगर उसे हमारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो वो हमें फांसी पर लटका देगा. और सबूत है वो तस्वीरें. मैंने उसी दिन कहा था कि तस्वीरें एक दिन में लटका देगी. शिट शिट शिट. अबे लटका तो तू हमें देगा? अभी बड़े शिट 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 कर रहा है. मां तो अंदर मुंह से शिट कर रहा था. तो क्या करता, साले मोनिका की लाश देख के मेरी तो आधी शिट निकल गई. अरे मोनिका कब से अंधेरी के हीरा विला में रहने लगी? वो तो बेडरूम उसके लवनेस में रहती थी. मुझे लगता है कि वही जगह उसकी लवनेस है जहां पे वो हम तीनों मुर्गों को बुलाती थी. मतलब लवनेस में तस्वीरें. सिकंदर के वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उन तस्वीरों को मिटा देना चाहिए. अबे नहीं 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 मेरे बाबलो, देखो खुले आम दिन दहाड़े हम वहां नहीं जा सकते. रात होने तक रुकते हैं फिर जाएंगे. अभी एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने काम पर चलो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो. ताकि अगर कोई भी अपना पीछा कर रहा हो ना तो उसे लगना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है. You're right. एक काम करते हैं, अपन शाम को मिलते हैं. बंटू चलो, बंटू ओके चलना. ये जिप को क्या हो गया, चढ़ क्यों नहीं रही है? क्या बात है प्रेम बाबू, बहुत थके हुए लग रहे हो. तुम मुझे छोड़ो, तुम लेट क्यों आए? आजकल मैं भी देरी से सोता हूँ, देरी से उठता हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से. साला हराम कोट ठरकी. सर आप यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यार रोज खोलता हूँ अकाउंट. कितने इत्तेफाक की बात है, जिस मोनिका का चेहरा तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था उसका अकाउंट भी तुमने खोला था. हर कस्टमर का चेहरा थोड़ी याद रहता ना सर. तुम्हें कहा था ना इतना खूबसूरत चेहरा कोई भूल सकता है? ये चेहरा तो नहीं भूलोगे ना? मीत, मैं कितने सालों से आपसे कहने को तड़प रहा था कि आंखें हैं. वाह वाह इन आंखों में. अरे ये गुड़की वाला यहां कहां से आ गया? बच्चों का बढ़ गया बच्चों का. मीत का फोन आया था, उसने कहा कि तुम मेरे क्लिनिक आ रहे हो. क्यों? अबे तेरा बाप सिकंदर बैंक आया था. क्या?
उसे मालूम हो गया कि मोनिका ने मेरे बैंक में अकाउंट खोला है, उसे उसकी चेकबुक मिली। ओके साइलेंस। कूल डाउन, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। ये तो अपनी जिम ऊपर कर यार। अबे यार कब से ट्राई करो, सुबह से बंद कर दो ट्राई कर। है नहीं है यार, तू भी छोड़। तुम यहाँ? मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता क्या? कभी ये सोचा है कि तुम दोनों को जेल में मिलने कौन आएगा? अबे अब क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों बुलाया मुझे? मैंने बोला था ना शाम तक नहीं मिलना। इतनी बड़ी कौन सी आफत आ पड़ी? आइए। गांधी जी के तीसरे बंदर की कमी थी। सर आप यहाँ? दुनिया में तीन चीजें बिन बुलाए आ जाती हैं, मौत, जुलाब और ये जनाब। अपॉइंटमेंट फाइल लो। अपॉइंटमेंट फाइल। सर ये आप क्या करें? क्या आपके पास सर्च वारंट है? मोनिका सिंह, 14 नवंबर शाम 5:30 बजे। अब तुम भी यही कहोगे कि तुम्हारे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, सबके चेहरे याद नहीं रहते। देखिए सर, ये सारी बातें काफी नहीं है साबित करने के लिए कि हमारा मोनिका के खून के साथ कोई लेना देना है। इत्तेफाक से तुम्हारी याददाश्त भी जरा कमजोर लगती है। खैर याद दिला देता हूँ। हार भी अच्छा है और टिब्बा भी। मेहता ज्वेलर्स, कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मोनिका तुम तीनों को मिली थी और तुम तीनों में से किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। ये इत्तेफाक ही हो सकता है। क्या ये भी इत्तेफाक है कि तुम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहे हैं? ये भी इत्तेफाक हो सकता है ना सर। तो तुम्हारे लिए अफसोस की बात यह है कि इत्तेफाक से इंस्पेक्टर सिकंदर इत्तेफाक में विश्वास नहीं रखता। आज से तुम तीनों अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम लोगों को फांसी पर चढ़ाऊंगा वो सबूत की बिना पर होगा, इत्तेफाक की नहीं। अगर इस जल्लाद को सबूत मिल गया ना तो हम तीनों की तो मौत है। जल्दी लवना चलकर वो फोटोज ढूंढते। अपने घर की एक्स्ट्रा चाबी इस वेलकम मैट के नीचे रखती थी, अभी होगी। मिल गई। आ जाओ। चल। तू अंदर जाओ, उधर देख, तू जाके देख। सिकंदर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिकंदर की तो लगता है हमसे पहले यहां कोई आ चुका है। कातिल हमेशा यही तसल्ली करने लौटता है कि कहीं उसने कोई सुराग तो नहीं छोड़ दिया, और वहीं गलती कर बैठता है।
तुम अच्छी तरह तलाशी लो। जी सर। हैंगिंग गार्डन जाके हैंग आउट करने का प्लान बनाया है। मैं भी प्रेम और अमर के साथ हैंगिंग आउट ही कर रहा हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ मेरी माँ। हेलो जानू। जाकर देखे सिकंदर क्या कर रहा है, जाकर देखना। ओके संभाल। सर ये कुछ पेपर्स मिले। अमर की तरह क्यों फूफू कर रहा है? क्या हुआ? अबे मैंने फोटो गिरा दी यार बाबा। क्या? अबे तू खड़ा है सीधा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रेम तू एक काम कर, तू मोनिका के घर पे फोन कर। एक मिनट, पर मोनिका तो घर पे है ही नहीं। अबे तू तू चुप रह। हाँ बोल। तू फोन कर और सिकंदर को किसी भी तरह बातों में उलझाए रख। ओके ठीक है। फोन दे। फोन ले, डायल कर। हेलो हेलो सर्वोदया वीडियो लाइब्रेरी। क्या रेशमा की जवानी है? क्या बकवास कर रहे हो? कच्ची कली भी चलेगी। शाप उसे काट दिया और मीत अंदर है। कुछ नहीं मिला सर। चलो अबे ओह शिट, ये तो मैं यहां बंद करके चला गया यार। अभी हम करें क्या? अभी यार शिट, ये मुझे बहुत जोर से लगी है यार। यार तेरे को लगी लगी है? यहाँ पे फंस गए कर गया। अबे यार ये सोचा मैं अपने गीता को क्या बोलूंगा, मैं कहाँ था रात भर। तू गीता को छोड़, आंचल का क्या होगा? लगी है यार। अबे फट्टू इतना ही मुंह है तो यहाँ मेरी जेब में मुंह। मुंह मुंह मुंह। रिलैक्स, चिल्ला मत चिल्ला मत, रात भर यहीं रहना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू फ्लावर पॉट में मुंह जा। कौन है भाई साहब? मैं वही हूं जिसने मोनिका को ऊपर भेजा।
और अब चाहूं तो तुम तीनों को भेजने का इंतजाम भी कर सकता हूं। यानी कि तुमने? हाँ, मैंने ही मोनिका को मारा है। मुझसे गद्दारी करने चली थी बेवकूफ। मगर मुझे पूरा यकीन है तुम तीनों ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। लेकिन आप हमसे चाहते क्या है? वही 30 लाख रुपए जो तुम लोग मोनिका को देने वाले थे। लेकिन पैसों का बंदोबस्त करने के लिए सिर्फ 2 दिन है तुम लोगों के पास। सिर्फ 2 दिन। 2 दिन? हाँ। मुझे मालूम है तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि जिन तस्वीरों के चक्कर में तुम लोग कल रात से यहां लटक रहे हो वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो मेरे पास है। देखोगे? ये देखो। देखो कितने प्यार से तुम तीनों मोनिका की लाश को उठाकर ले जा रहे हो। अगर चाहो तो ये तस्वीर अपने घर के एल्बम के लिए रख सकते हो। मेरे पास नेगेटिव्स है, जितनी चाहे कॉपीज बना लूंगा। 2 दिन, वरना ये तस्वीरें पहुंचेंगी सिकंदर के पास और तुम तीनों पहुंचोगे मोनिका के पास। चलो अब ये लटकना बंद करो और काम पे लगो। चलो। अरे यार, ये एक सिकंदर काफी नहीं था जो हमें बंदर की तरह नचाने के लिए नया ब्लैकमेलर टपक पड़ा? पता नहीं कौन से जन्म की पापों की सजा भुगत रहे। कौन से जन्म की? अबे इसी जन्म के पापों की सजा भुगत रहे। एक बात बता दोस्तों, क्या हम तीनों के मुंह पर लिखा हुआ है कि आओ भाई हमें ब्लैकमेल करो कि कोई ना कोई बार बार आ जाता है यार? अब मुंह काला करके आए हैं तो कोई ब्लैकमेल ही तो करेगा। मुझे तो ये आदमी बहुत डेंजर लगता है। अब मोनिका जैसे हसीना का मर्डर तो कोई कमी नहीं कर सकता है। मैं तो कहता हूँ उसे पैसे दे ही देते और अपनी जान छुड़ा दे। पैसे दे ही देते और जान छुड़ा देते, ऐसे बोला कि हम तीनों ने पैसे अपने कच्चे में छुपा रखे हैं। अरे हाँ, अरे साले सारे पैसे तो तेरे कच्चे तेरे तिजोरी में। हाँ, तू घर जाके ले गया, जा जा। तुझे दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। दोबारा उस घर में? अबे सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे बट्टू, अरे सुन, अरे सुन ना यार, तुझे चोरी करनी पड़ेगी। क्या है, चुपचाप ड्रिंक पियो। तुझे चोरी करनी पड़ेगी। हाँ यार, करनी पड़ेगी। अच्छा, ताकि मेरी सास मुझे दोबारा पटक पटक कर धोए। मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, सिकंदर की गोली से मर जाऊंगा, लेकिन दोबारा उस घर में अपनी सास के हाथों में कभी नहीं जाऊंगा। तुम दोनों को इतना ही शौक है तो तुम दोनों क्यों नहीं जाते मेरे घर में चोरी करने के लिए? बात करते हैं। अच्छा बेटा, ताकि तेरी सास हम दोनों को पटक पटक कर धोए। क्यों नहीं? आइडिया। अरे सुन यार, अमर, तू एक काम कर, तू आज रात अपनी बीवी और सास को किसी फिल्म दिखाने लेकर जा। तेरे घर में कोई नहीं होगा, तब मैं और मीत आकर तिजोरी से पैसा निकाल लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो यार? यही कि पहली बार सुनने में तेरा हर आइडिया बहुत अच्छा लगता है, बाद में साला कच्चा निकलता है। अरे ऐसे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आज रात पैसे निकालने के बाद हम ब्लैकमेलर को दे देंगे, फिर जिस सबूत के वजह से सिकंदर हमें सजाए मौत दिलवा सकता है वो अपने कब्जे में होगा। ये सही है, आज चाहे कुछ हो जाए हम अपनी रिहाई का इंतजाम करके रहेंगे। राइट 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 राइट। कोई मिल गया तो हाउसफुल है। तो चलो फिर अपने हाउस ही जाते हैं। नहीं, वहां गए तो वहां भी कोई मिल जाएगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब मिल जाएगी, किसी ना किसी और फिल्म की टिकट जरूर मिल जाएगी। बाजू में बहुत ही एजुकेशनल फिल्म लगी है, नाइट क्वीन। नाइट क्वीन? नाइट क्वीन साउंड्स इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग मम्मी जी, मैं आपको बताता हूँ। बॉस, लगता है घर में कोई नहीं है। मतलब खाली है ना? अरे अच्छी बात है, खाली घर को और खाली कर देंगे। चल खोल जल्दी। अरे बॉस, घर का दरवाजा भी खुला है। लगता है आज के बाद अपनी तकदीर का दरवाजा भी खुल गया। चल घुस ले अंदर। खुल खुल। उस गधे अमर को कहा था कि कम से कम दरवाजा खुला रखे। अब करेंगे क्या? घुसेंगे कहां से? आइडिया? नहीं नहीं नहीं, तेरा आइडिया बहुत डेंजरस है, मैं घर जा रहा हूं। ट्रस्ट मी, छत से जाते हैं। हां,
छत से जाते हैं। Let's go. Let's go. पॉपकॉर्न खिलाकर सॉफ्ट पॉर्न दिखाता है, इडियट। बिंदु अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे पीछे, इडियट। मम्मी जी, बिंदु जी, एक काम कर, तू जा। मैं क्यों जाऊं, मैं तेरे तीन महीने छोटा हूं, तू जा, इडियट। जरा कोशिश कर, कोशिश कर। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। फटाफट दूसरी चाबी दे, तीसरी दे। अबे ठीक से सपोर्ट देना, क्या रहे? अबे नहीं है मेरे पास, कहाँ से तू? ओए ओए अबे अबे छोड़, पैर छोड़ दो, क्या पकड़ो? क्या करे, गिरूंगा, पैर छोड़ दे। God, I can't believe it. Educational film दिखाने ले जाऊंगा। करा दी मेरी education. I have never been in such an awkward position in my life. चक्कर आ रहे हैं मुझे. I need some fresh air. मैं छत पर जा रही हूँ. बिंदु, तुम जाके बेडरूम के अंदर सो जाओ. मैं करेले का जूस पी कर आता हूँ. खुद बना लोगे? हाँ हाँ, जरूर बना लूँगा. Good night. Good night. एक सिर्फ रूटने में कितना टाइम लगता है? यार मम्मी को फिल्म दिखाने ले गया, तुम्हारे लिए घर का दरवाजा खुला रखा और तुम दोनों अब तक चोरी करके घर से निकले नहीं। ओह नो, तुम दोनों को मैंने कॉम्बिनेशन दिया था ना, दिया था ना। शिट, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हट, हट, तेरे साथ कभी चोरी नहीं करूंगा। ये नहीं, ये वाला पैक देना यार। क्या टाइम पास करा, छोड़ा ना अपने आपको काकी से। अबे बकवास बंद करो, मुझे छोड़ा ना यार। ए बुढ़िया, जरा छोड़ दे इसको, वरना देख मैं तीन तक गिनूंगा। देख, एक दो। You got good. Light किसने off कर दी? यार ये मुझसे खुल क्यों नहीं रहा? बुढ़िया ने कोट बदल दिया क्या? किधर हो, किधर हो? चड्डी पहन कर आता हूँ ऊपर, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुम्हारे गैंग का नाम क्या है? चड्डी गैंग। बेबी को चोट लगी, वेरी गुड। इडियट्स, अपने बैग निकाल रहे हैं। Ah!
गए, चल निकल यहाँ से। Nobody takes Pongo with me. अमर, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये क्या हो गया? क्या हुआ? धीरे यार, कल की धुलाई अब तक दर्द कर रही है। Well done, buddy. Well done. Congratulations. वैसे पैसे तुमने सेफ जगह छुपाए ना? वही तो हम तुझसे पूछना है। तुमने पैसे कहाँ छुपाए? हाँ कहाँ? मैंने? हाँ। चोरी तो तुम लोगों ने की है। तो पैसे तो तुम्हारे पास है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? चोरी तो दूर की बात है। तेरी सास से जान छोड़ा के भागे वही बहुत बड़ी चीज है। क्या? हाँ, मैं लगा कि सारी कंफ्यूजन में तूने पैसे चुरा लिए। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो खुद तुम दोनों को पैसे देके भगाया था। अबे क्या? हाँ, पैसे तो हमारे पास है नहीं। हाँ क्या? तो फिर पैसे हैं किसके पास? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार मीत, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरे पति हैं और ये इनके दोस्त मीत और प्रेम। कल रात के हादसे के बाद मैंने इंस्पेक्टर साहब को बुला ही दिया। वाह, अजीब इत्तेफाक है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोगों के हाथ कानून से ज्यादा लंबे हैं। कानून जुर्म होने के बाद वहां पहुंचता है, तुम लोग पहले ही पहुंच जाते हो। मैं आपकी बात समझी नहीं। जिनको समझना था वो समझ गए। आप चोरी के डिटेल्स दीजिए मैडम। रात को जब मेरे पति, मेरी माँ और मैं फिल्म देखकर घर आए, तब चोर अंदर घुस चुके थे। मेरे अंदाजे से चोर दो थे। कितनी अजीब बात है, चोर भी दो थे और आपके पति के दोस्त भी दो हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। हवलदार, साहब यही है वो आदमी। इन्होंने कल रात हमें पैसे दिए और कहा जल्दी भाग जाओ। क्या? हाँ साहब, घर में हम दोनों के अलावा दो चोर और भी थे। और वो दो चोर आपके पति के दोनों दोस्त मीत और प्रेम थे। लेकिन आपके पति ने एक गलती कर दी। असली चोरों को मीत और प्रेम समझकर पैसे उनके हवाले कर दिए। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे पति पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है और इनकी बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पति मेरे भगवान हैं और अपने भगवान पर शक करना मेरे लिए पाप है। और मैं उन्हें ही नहीं पूछती पर उनकी भी इज्जत करती हूँ जिन्हें उन्होंने दोस्त कहकर अपने सीने से लगाया है। आज आप सब इनका साथ दे रही हैं, लेकिन आप इनको जानती नहीं। मुझसे बेहतर मेरे पति को कोई नहीं जानता। दो चोरों की बात सुनकर आप मेरे पति पर शक कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। ठीक है, लेकिन तहकीकात पूरी होने तक चोरी के पैसे पुलिस स्टेशन में जमा रहेंगे। जो करना है कीजिए, लेकिन इस वक्त यहां से चले जाइए। आज तक हम तीनों से बड़े कमीने नहीं देखे। माना कि हम लोग बुरे हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ तो अच्छा काम किया होगा कि आज हमारी बीवी ने हमारा साथ दिया। पर अच्छी तो हमारी बीवियां हैं और उनकी अच्छाई मुझे और बुरा होने का एहसास दिलाती हैं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, सारी गलती मेरी है। अगर उस दिन मैंने तुम दोनों को भड़काया नहीं होता तो आज शायद तुम दोनों से मुसीबत में नहीं होते। सॉरी साला, मुझे कॉलेज से मालूम था कि तुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है, लेकिन अगर तुझसे दोस्ती करना मेरी बेवकूफी थी ना, तो ऐसी बेवकूफी मैं बार बार करने को तैयार हूं दोस्त। गाइस, जो हुआ वो हम तीनों की गलती थी। आधा घंटा हो गया यार, आंचल का फोन नहीं है। मैं अपनी सैटेलाइट को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मित साहब, आपका फोन है। जा, आंचल होगी। जा जा जा। थैंक यू।
जानू तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आनी भी चाहिए। मुझे भूलने की गलती करोगे तो खुद एक याद बन के रह जाओगे। तुम? हाँ मैं। ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज तुम तीनों का आखिरी दिन है। कल सुबह बैंड स्टैंड पे पैसे लेकर पहुंच जाना, वरना सिकंदर के पास तुम तीनों की मौत का वारंट पहुंच जाएगा। अरे मेरी बातों। क्या हुआ? आंचल का ही फोन था ना? तो फिर किसका था? ब्लैकमेलर का। क्या? हाँ, ब्लैकमेलर का फोन था यार। वो कह रहा था कि कल सुबह बैंड स्टैंड पैसे लेकर पहुंच जाओ वरना। अरे लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। एक ही तरीका है कि कल उसके सामने गिड़गिड़ाते कि हमारे पास पैसे है ही नहीं यार, और हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दे यार, और अगर वो नहीं माना तो भुगतेंगे अपने कर्मों की सजा। क्या मतलब? कल सुबह हमारी बीवियों को सब सच पता चल जाएगा? यार घर चलते हैं। जिंदगी के बचे कुचे लम्हे अपनी बीवियों के साथ बिताते हैं। क्या पता कल शायद घर ना हो ना ही वो लम्हे। जानता हूं कि मैंने ऐसा पाप किया है जिसका प्रायश्चित करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन हो सके तो मुझे इतना आशीर्वाद देना कि कल सुबह मैं अपने घर को टूटने से बचा सकूं। ये तुम क्या करी अमिता? मेरे पैर मुझो। मैं जानती हूं कि आपको मेरी इस बात से बहुत नाराजगी होती है। मैं आज नाराज नहीं होगी था। मुझे भगवान का दर्जा मत दो। जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कोई भगवान नहीं बल्कि मामूली इंसान हूं, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ये दिल तो आप ही का है, कोई भला अपनी ही चीज थोड़ी तोड़ता है। आप काफी थके हुए लग रहे हो, अब सो जाइए, मैं मंदिर होकर आती हूँ। आंचल, आंचल कहाँ हो तुम? चलू चलू कहाँ थी तुम? पता है कितना फोन ट्राई कर रहा था तुम्हारा, और आज एक बार भी फोन नहीं किया तुमने। पता नहीं कैसे भूल गई। I'm so sorry चलू, मैं बस अभी आई हूँ। हेलो। लाइफ इज सो शॉर्ट ना, और इस शॉर्ट सी लाइफ में मैं तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक भी पल, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक भी बात, तुम्हारे सुंदर से चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता। यू लव मी ना? मिस मी? अभी एक सेकंड पहले तो। एक सेकंड? तुमसे आधे सेकंड की भी दूरी मुझे आधा कर देती। I love you, आंचल। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे
दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम हो रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं चैन मेरा ले लो खुशी मेरी ले लो दे दो मुझे दे दो सारे गम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम साथ सख्ती से पेश आती थी क्योंकि इसी सिगरेट और शराब की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया अपने पापा की तरह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे पास तुम रहोगी भूल अब ना होगी करूंगा ना तुम पे सितम दिल दे दिया जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे
दगा नहीं करेंगे सनम। चलो बच्चों पैसे निकालो, चलो चलो। वो क्या है कि पैसे तो नहीं है। क्या सालो, ज्यादा शान पति की तो तीनों को डाल दूंगा। समझे? प्लीज प्लीज हमारी बात तो सुनिए प्लीज। हम पैसे इसलिए नहीं लाए क्योंकि इस वक्त हमारे पास इतने सारे पैसे हैं नहीं। हमने रियली बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अबे तो यहाँ क्या चक मारने आए हो? नहीं, हम एक्चुअली विनती करने आए हैं कि आप हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दे प्लीज। देखिए हम कहीं भाग तो नहीं रहे, आपके पैसे जरूर दे देंगे, बस आज छोड़ दीजिए प्लीज। सालो प्लीज। सिकंदर, ए नॉर्मल तरीके से बात करना सब। किसी ने होशियारी की तो गोली मार दूंगा, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? क्यों, यहाँ रुकना गैरकानूनी है क्या? ज्यादा ही मुंह चलने लग गया है। ये कौन है? ये हमारे दोस्त है। हाँ जी, मुंबई आए, इसे हम जरा सैर करवा रहे हैं। मुंबई में और भी जगह है दिखाने लायक। पता नहीं तुम तीनों की गाड़ी यहीं आके क्यों रुक जाती है। चलो। ए देना, हाय हाय, तुम तीनों चिकने फिर आ गए। और ये मुस्टंडा कौन है साथ में? और हाँ, वो चिकनी बेबी साथ में नहीं है आज, क्यों? क्या तुमने इन तीनों को किसी लड़की के साथ देखा था? बिल्कुल देखा था साहब। लड़की यही थी? हाँ हाँ, यही तो थी। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। क्यों छूट गए ना छक्के? अब तुम लोगों को फांसी पे चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं सर, मगर सुनो सर, हमने मोनिका को नहीं, इसने मारा है सर, इसने। गाड़ी से उतरो, तुम तीनों भी उतरो। अबे भगा गाड़ी, भगा नहीं तो खोपड़ी उतार दूंगा। चल था ना, आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा हमें? क्या कमी थी हमारे प्यार में?
नहीं, कोई कमी नहीं थी। कमी तो हम में थी जो तुम्हारे प्यार को पहचान न सके, उसे समझ न सके। हमने मोनिका को नहीं मारा, दुनिया इस बात को माने या ना माने, अगर तुम तीनों ने इस बात को मान लिया तो कम से कम सजा पाते वक्त अफसोस थोड़ा कम होगा। आपने मोनिका को मारा हो या ना हो, लेकिन हमारे भरोसे को जरूर मारा है। अब दोबारा भरोसा करे भी तो कैसे? लगता है सदमे से हमारे विवेक पागल हो गए। जिंदा? हाँ जिंदा हूँ। अपने आप को शेर समझकर इस बकरी का शिकार करने निकले थे ना, लेकिन इस बकरी ने तुम तीन शेरों का बकरा बना दिया। यानी कि इस दुनिया में तीन चीजें निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, डिब्बे में से घी, गैर कानूनी बस्ती और शादीशुदा मर्दों में से मस्ती। और इस मस्ती को निकालने का प्लान हम तीनों बीवियों ने मिलकर बनाया, मगर जानू तुम्हारी मदद के बिना हम कभी कामयाब नहीं होते। हाँ मेरी मदद? हाँ, याद है उस रात मैंने तुम्हें आखिरी बार फोन किया था तो तुमने गलती से तुम्हारा फोन ऑन छोड़ दिया था और तुम्हारे इस सैटेलाइट ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तो कहता हूँ कि हम सबकी शादी भी ऐसे ही मोड़ पर है कि अगर घर वाले से प्यार और मजा नहीं मिल रहा है तो क्यों ना बाहर वाले को ढूंढकर ऐश किया जाए। Let's have an affair, guys! पहले जब आंचल ने मुझे और गीता को बताया, हम दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ। रो रो के हमारी तो आधी जान ही निकल गई थी। 21वीं सदी की औरतें होकर तुम तीनों 18वीं सदी की औरतों की तरह रो क्यों रही हो? देखो आंचल, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी शादियाँ तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन तुम तीनों के पतियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। Absolutely right. सिकंदर भैया, आप? हाँ, दो दिन पहले ही आ गया और अब लगता है बिल्कुल सही वक्त पर आया। मोनिका ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। अमर ने मुझे कभी नहीं देखा है। इस बात का फायदा उठाकर तुम तीनों के पतियों को सबक सिखाने का ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो जिंदगी भर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम तीनों को मेरा साथ देना होगा। हो सकता है कि उनकी बुरी हालत देखकर तुम तीनों का दिल पिघल जाए, लेकिन तुम तीनों को मजबूत होना पड़ेगा। अगर तुम लोग ये वादा करती हो तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम तीनों के पतियों की गाड़ी पटरी पर लेकर आऊंगा। हम आपके साथ के साथ हैं। और मोनिका का खूनी वो कौन था? इंस्पेक्टर बापट। रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर साहब, ये भी? हाँ, मैंने इनका साथ दिया बिकॉज आई हेट क्राइम एंड आई हेट क्रिमिनल्स। तुम तीनों ने इनके प्यार और शादी के रिश्ते को धोखा देने की कोशिश करके बहुत बड़ा गुनाह किया, इसलिए उस दिन से लेकर आज तक जो तुम लोगों की बैंड बजी है वो हम सब ने मिलकर बजाई। यानी कि हमें सबक सिखाने के लिए आपने पहले मोनिका को हमसे मिलवाया और ब्लैकमेल करवाया, फिर उसकी झूठी मौत का नाटक रचाकर इंस्पेक्टर सिकंदर को जल्लाद की तरह हमारे पीछे छोड़ दिया ताकि दिन रात पल पल हम हजारों मौत मरे। हमें मोनिका के घर से लटकाया, अमर की सास से मार खिलाया और इतना रुलाया कि हम खुद से नफरत करने लगे। हमें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आप सब इतनी हद तक गई कि हमारा जीना हराम कर दिया। थैंक गॉड।
लौट के आपने ये सब किया। मैं तो कहता हूं कि हम जैसे कमीनों के साथ इससे भी बुरा सलूक करना चाहिए था। हाँ, आप लोग तो फिर भी हमारे साथ नरमी से पेश आए। आपको तो हमारा मुंह काला करके हमें सरेआम दौड़ाना चाहिए था। लेकिन अब हम अपना सबक सीख चुके हैं। आज से हम हर शादीशुदा मर्द से यही कहेंगे कि चुपचाप घर की दाल खाए, बिरयानी के चक्कर में ना पड़े। पड़ोगे तो गले में हड्डी फंसेगी फंसेगी। हमें माफ कर दो। इट्स ओके, तुम तीनों को तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है ना, यही काफी। आज तुम सब एक बात कान खुल कर सुन लो, और तुम बीवियां भी, माना कि मर्दों को कोई हक नहीं बनता कि अगर उन्हें घर की दाल पसंद ना हो तो बाहर बिरयानी ढूंढने निकल पड़े। लेकिन अगर तुम बीवियां कभी कभी घर पे ही बिरयानी बनाया करोगी तो मर्द कभी बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए बिंदिया, तुम अपनी मम्मी जी यानी कि मेरी मामी जी को आज शाम ही चार धाम के लिए रवाना कर दो। गीता, बहुत हो गया जगराता। और आंचल, अपने पति को आंचल से बांधना छोड़ दो। तो दोस्तों, क्या सीखा तुम लोगों ने? दाल फ्राई हो या बिरयानी, घर का खाना चंगा, बाहर खाने जाओगे तो हो जाएगा पंगा। क्या नो गर्ल्स? अरे भाग कपड़िया, ये गुड़की औलाद कोरस में मेरे पीछे पड़ गए। भाग कपड़िया, मस्ती 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 मस्ती। चैनकुली की मैनकुली, मैनकुली की चैनकुली, चैनकुली की मैनकुली की चैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन। दिल का पंछी करे धमाल, पिंजरे में ना इसको डाल, लड़ जाने दे लड़ते हैं जो नैन। मौज मनाए धूम मचाए, मस्ती में काटे दिन रैन।